नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया को हम एक पेपरलेस और एक कैशलेस सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद आया था, एंड वो पॉपुलर वीडियोस में भी पाँचवें छठे नंबर पे चल रहा है। उसमें भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, काफ़ी अच्छा इंगेजमेंट भी है उसमें। तो उसमें हमने केवल फाइनेंशियल मैटर्स में कैशलेस इकोनॉमी की बात करी थी, बट इसमें हम पेपरलेस इकोनॉमी की भी बात करेंगे एंड कैशलेस इकोनॉमी के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज एक पेपरलेस और एक कैशलेस इकोनॉमी होना इंडिया की जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटलाइजेशन, देखिए, इसने बहुत मदद करी है। एक टाइम ऐसा था जब मैं वैट में रजिस्टर्ड था, वहाँ पे क्या होता था कि भाई आपको हर महीने जाना होता था वैट की रिटर्न फाइल करने के लिए। पियोन जो है 100-200 रुपये घूस खाता था, तो सीधा बोलता था क्या है जी, हमारी मिठाई के लिए 100-200 रुपये चाहिए, ये है वो है एंड ऑल दैट। मतलब आपको पता है कि आपको उतने देने ही है। जब से जीएसटी आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, वो सारी चीज़ें एलिमिनेट हो गई। जीएसटी में काफ़ी सारा पेपर वर्क जो है वो सारा ऑनलाइन हो गया, तो बहुत सारा जो एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था वो सारा ख़त्म हो गया। बट अब बात आती है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग कम कर सकते हैं, जो हम लोग डिजिटलाइज कर सकते हैं, जिससे हम लोग एक पेपरलेस और कैशलेस इकोनॉमी बन जाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हम लोग पेपरलेस इकोनॉमी कैसे बन सकते हैं। देखिए, पेपरलेस इकोनॉमी बनने के लिए ना हमें वन बाय वन जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ना, उनको डिजिटलाइज करना स्टार्ट करना होगा। हालांकि बहुत सारे हो गए हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए हैं। एक टाइम पे पासपोर्ट बनवाने में बहुत प्रॉब्लम्स आते थे, आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। बट जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं ना, उनमें जितना हो सके डिजिटलाइजेशन चाहिए। हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज ऐसे नहीं चाहिए कि फाइलों का पूरा पहाड़ बना हुआ है या कुछ है, ऐसे ऐसे हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं चाहिए। एंड ऐसे नहीं चाहिए कि भाई आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए तो वो जो वहाँ पे जो ऑफिसर है वो अपने पियोन से कह रहा है कि जा वो फाइल लेकर आए एंड ऑल दैट, एंड वो पूरा फाइल का एक पहाड़ है जिसमें वो आपकी फाइल ढूंढ रहा है एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बेटर ये हो कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके पास कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो आपकी एक चीज़ डाले, आधार कार्ड नंबर डाले या कोई भी मान लीजिए फाइल नंबर डाले या कुछ भी है, एंड उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई पेड़ काटने होते हैं पेपर बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हैं, बट इसके अलावा क्या है, जगह कम लेता है। अब जैसे एक बात हो रही थी कुछ टाइम पहले कि हो सकता है कुछ सालों में बच्चों को जो है स्कूल बैग ना लेके जाना पड़े, उनको सबको एक आईपैड दे दिया जाएगा, उस आईपैड में ही उनकी क्लासेस होंगी, उसी आईपैड में ही उनका सारी बुक्स होंगी, सारा रिटर्न मटेरियल होगा, सब कुछ होगा, वो उसी में ही पढ़ेंगे। अब ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो बैग बच्चे लेके जाते हैं उनके कंधों में दर्द हो जाता है एंड ऑल दैट, तो कहीं ना कहीं यू आर रिप्लेसिंग दैट विद एन आई पैड। इनफैक्ट अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि हर सैटरडे को मैं एक बुक रिव्यू डालता हूँ। मैं यूजुअली ऑडियो बुक्स पढ़ता हूँ, उसका रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि मेरे फ़ोन में 200 किताबें हैं, तो मेरे फ़ोन में जब 200 किताबें हैं तो मेरे को उसको रखने के लिए अलग से जगह नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी अगर हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, बहुत सारे प्रोसेसेस आपके स्मूथ हो जाएंगे। बहुत बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट कि जी ये फाइल नहीं मिल रही, ये कागज़ नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स को डिजिटलाइज कर दें तो। सेकंड होगा जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें इतना ज़्यादा रिफॉर्म चाहिए, इतना ज़्यादा रिफॉर्म चाहिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट 75 ईयर्स में कोई एक चीज़ जिसमें हम लोग बिल्कुल भी रिफॉर्म नहीं कर पाए तो वो हमारा जुडिशियल सिस्टम ही होगा। बिकॉज जुडिशरी जो हमारी है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनएफिशेंसी इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे ज़्यादा सुस्त चलने वाला अगर कोई सिस्टम है ना तो वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। बात केवल ये नहीं कि 4.5 करोड़ केस, बात ये भी है कि यार वहाँ पर प्रोसेस कितना स्लो होता है। ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ, ये ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, लॉयर है, लॉयर को 10 कॉपी चाहिए, जज को 10 कॉपी चाहिए, ये ऐसे करो वैसे करो। मैं आपको बताऊं, आज से 10 साल पहले की बात है, जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था तो मेरा कॉलेज जो है द्वारका में था, एंड द्वारका से मतलब जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे द्वारका कोर्ट है, तो द्वारका कोर्ट में जो कैंटीन थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोग क्या करते थे कभी कभी ना, ऐसी लंच करने के लिए हमें मन करता था चलो यार कोर्ट की कैंटीन चलते हैं, तो हम वहाँ के जो द्वारका कोर्ट है उसकी कैंटीन में जाके कभी कभी खाना खाने जाते थे। अब जब हम वहाँ के कोर्ट में जाते थे ना, तो उस कैंटीन में जाने से पहले ना एक वो पड़ती थी फोटो स्टेट की दुकान जो कि कोर्ट के अंदर ही है। हमें हमेशा ताजुब होता था कि जो लोग वहाँ पे कोर्ट केस लड़ने आए हैं या लड़वाने आए हैं या फिर जो लॉयर्स हैं, मतलब इतने इतने बड़े बड़े बंडल्स में फ़ोटो स्टेट और कॉपी करवा के लेके जा रहे हैं। क्यों इतने इतनी कॉपीज़ किसके लिए चाहिए भाई, इतना सारा बंडल और फिर उसमें अलग अलग कागज़। एंड मैं इमेजिन कर सकता था कि जो वो लोग हैं जो केस लड़ने के लिए आए हैं या फिर जो लॉयर्स हैं जो केस लड़ रहे हैं, उनके लिए कितना इनएफिशिएंट होता होगा वो,
कि भाई आप पूरा का पूरा वो पूरा स्टैक उठा के जो है जज के सामने रख दो कि भाई ये कागज़ अब ये कागज़ अब वो कागज़। अरे इनफैक्ट हमारा जो बजट है वो भी अब टैबलेट पे बोला जाता है। हमारा जो बजट है जो हर साल फरवरी में आता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको टैबलेट पे बोलती हैं, टैबलेट से देख देख के वो बोलती हैं। क्योंकि भाई पहले बजट के इतना बड़ा वो होता था, पूरा वो एक बंडल सा होता था जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पढ़ते थे। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इनएफिशिएंसी है एंड जुडिशियल सिस्टम में ये ना बहुत एक छोटी चीज़ लग रही होगी आपको, बट ये बहुत मदद करती है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो कि केस लड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा है या फिर 30,000 कोर्ट जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसको मान लीजिए 200 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, अगर वो उसी डॉक्यूमेंट को अपने टैबलेट पे अपने लैपटॉप पे लेके जाए, एंड कोर्ट्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक प्रोजेक्टर लगाना है या फिर आपको एक ऐसा बड़ी स्क्रीन लगानी है और उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है ना, आपको अपने क्लाइंट जो भी वहाँ पे केस लड़ने आ रहे हैं या जो लॉयर्स हैं उनको कहना है कि भाई आप अपनी जो भी हार्ड ड्राइव है या फिर जो भी आपका वो है इसको ईमेल करो या कुछ भी करो एंड आप उसको वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। क्यों आपको इतना पेपर वर्क चाहिए, क्यों आपको इतनी इतनी फाइल्स बनाने, क्यों आपको जो केस लड़ने आया वो बंदा आधा घंटा तो उसको जीरोक्स वगैरह में लग जाता है कि भाई अब इसका वो बनाओ, ऑर्डर का कागज़ बनाओ, वो सब करो, क्यों ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज नहीं हो सकती हैं? तो कहीं ना कहीं जो जुडिशियल सिस्टम है ना, इट इज़ अ सिंबल ऑफ इनएफिशिएंसी इन अवर कंट्री। इस इनएफिशिएंसी की वजह से ना जीडीपी को कितना नुकसान होता है आप सोच नहीं सकते हो। कितने सारे लोग हैं जो सालों साल अटक जाते हैं, कितने सारे लोग हैं जिनको अपना करियर छोड़ के लगना पड़ता है कोर्ट्स में कि भाई हमारा केस हो गया, हमारे ऊपर केस लग गया, किस्मत ऐसी ख़राब थी कि कोई गलत इंसान से पाला पड़ गया, कुछ भी हुआ। मैं खुद अपने सोशल सर्कल में 2-3 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं एंड 5-5, 6-6 साल से केसेस चल रहे हैं। रीज़न बीइंग इनएफिशिएंसी, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। मतलब कुछ कुछ केसेस तो ऐसे हैं, चलो मैं उन केसेस को मानता हूँ जहाँ पे एक पार्टी जो है केस ख़त्म ही नहीं करना चाहती, वो लंबा खींचना चाहती है। लॉयर्स हैं हमारे, लॉयर्स वो चाहते हैं कि भाई ताकि हमारी फीस बनती रहे तो हम लंबा खींचते चले जाएंगे। एक वो भी एक बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है। इस पर भी जजेस को इन जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है एंड जो हमारी मिनिस्ट्री है जो जुडिशियल सिस्टम को देखती है, इन सबको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अभी कुछ ये भी चीज़ें आ रही थी कि जैसे कोविड के टाइम पे बहुत सारी हेयरिंग्स जो हैं वर्चुअल हुई थी, तो ये हुआ था कि जो छोटे छोटे केसेस उनको वर्चुअली ही सॉल्व कर लिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा जहाँ पे एक बंदे ने 2009 में एक केस किया था कि उसका 20 रुपये ज़्यादा बिल आ गया था, 20 रुपये ज़्यादा, एंड वो अब जाके उसको रिफंड हुआ है, मतलब 12 या 13 साल बाद। क्यों भाई, ये छोटे छोटे केसेस तो आप एकदम से भी निपटा सकते हो ना। वो ठीक है कि उसको जो है कंपनसेशन में 15,000 वगैरह मिले, सब कुछ है, बट यार कोर्ट का कितना टाइम बर्बाद हुआ वो भी तो देखो ना। वो ठीक है जब आपने केस करा है सब कुछ है तो आपको वो एक कॉस्ट ऑफ, अगर आप जीत जाते हो तो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन और ये सारी चीज़ आपको मिलती हैं, बट टाइम आप कितना ले रहे हो वो भी तो देखो ना। अभी तो हमें वॉर फ्रंट पे इस पे काम करना चाहिए कि भाई जो छोटे छोटे केसेस हैं या जो केसेस ऐसे जो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं उनको जितना हो सके जल्द से जल्द सॉल्व करो, आप जितना हो सके वर्चुअल हेयरिंग करो, कुछ भी करो, एंड स्पेशली उनके केस में वर्चुअल हेयरिंग ज़रूर होनी चाहिए जो लोग दूर रह रहे हैं। जैसे कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है बट रहते वो बैंगलोर में है या फिर रहते वो मान लीजिए लखनऊ में है या मान लीजिए इलाहाबाद में रहते हैं या जयपुर में रहते हैं, राजकोट में रहते हैं या सूरत में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, इतनी दूर रहते हैं, फिर वो आएंगे जाएंगे, आना जाना उनका ट्रैवल टाइम अलग से, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला होगा कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब देखिए कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसलिए कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ना कहते हैं जी इसकी हार्ड कॉपी लाओ, इसके इतने कॉपीज़ चाहिए, इसकी ये चाहिए, इसकी वो चाहिए, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ख़त्म करिए, ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज होनी चाहिए। हालाँकि बहुत हद तक डिजिटलाइजेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया है बट अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क होता है, बहुत सारी आपकी फाइलें होती हैं, बड़ा बड़ा बंडल होता है, सब कुछ होता है। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे पहले आपको स्कैनर चाहिए होता था कि भाई सॉफ्ट कॉपी निकालने दो, पेज को स्कैनर में डालो, फिर स्कैन करो, फिर उसको ईमेल करो या कुछ करो। आज की डेट में क्या है भाई, आप फ़ोन से आपने फोटो खींची, हाथ किया था, व्हाट्सएप कर देते हो, सॉफ्ट कॉपी पहुँच जाती है। सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन अगर कहीं पर हुई है तो वो बैंकिंग सेक्टर में हुई है। मेरे को 4 साल हो चुके हैं अपनी बैंक ब्रांच गए हुए, मैं कोविड से पहले गया था अपनी बैंक ब्रांच। रीज़न बीइंग सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारे पेमेंट ऑनलाइन है, सब कुछ है, नेट बैंकिंग पे FD भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। मैं 4 साल पहले अपनी बैंक ब्रांच में गया था, अगर मेरे को कैश भी चाहिए हो तो भाई ATM से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मदद करती हैं, बहुत एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में भी अब धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे अब ये चीज़ें आ रही है कि भाई आप जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस है,
आप फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी रख लो, हार्ड कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं। पहले होता था हार्ड कॉपी आपको लेके चलनी पड़ती थी, बट अब जो RTO है उन्होंने भी ये बात बोल दी है, पुलिस वालों ने भी ये बात अब एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर लिया कि भाई अगर कोई सॉफ्ट कॉपी दिखाता है तो दैट इज़ इक्वेलेंट टू हार्ड कॉपी। इसके अलावा आपका डिजी लॉकर आया, डिजी लॉकर पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अभी मैंने सुना LIC की जो पॉलिसी है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में चल सकती है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब बता दें कि हम इंडिया को कैशलेस कैसे कर सकते हैं। देखिए, कैशलेस इकोनॉमी करने के लिए ना, सच्ची बात बोलूँ, जितना UPI ने करा है ना उतना और किसी इनिशिएटिव ने नहीं करा है। UPI हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। नो डाउट आज की डेट में बहुत सारी जगह आ गया है, कुछ कुछ जगह मैंने देखा जैसे मॉल्स में आजकल पार्किंग का आपको पेमेंट करना हो तो QR कोड लगा होता है। उसके अलावा कुछ कुछ तो रिक्शे वाले भी ऐसे हैं जो QR कोड लगा के घूमते हैं, इसके अलावा ठेली वाले QR कोड लगा के घूमते हैं, विच इज़ अ फिनोमिनल थिंग। कुछ साल पहले ना, आई गेस 10 साल पहले, एक लीडर हैं, एक पॉलिटिशियन है हमारे देश के काफ़ी फेमस, उन्होंने कहा था कि डिजिटलाइजेशन इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल इन इंडिया। आप इंडिया में, इंडिया को एक कैशलेस सोसाइटी आप कैसे बना सकते हो? आप ठेली वाले को पॉइंट ऑफ सेल सिखाओगे? आप ठेली वाले को डेबिट कार्ड सिखाओगे? आप उसको ये रिक्शे वाले को आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करना कैसे सिखाओगे? क्या करोगे क्या नहीं करोगे? आज की डेट में क्या है, सब कोई डिजिटल पेमेंट कर रहा है। तो हम लोग काफ़ी हद तक कैशलेस हुए हैं, बट अभी भी इट देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें कैशलेस हो चुकी हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, सब डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज़ हैं अभी भी वहाँ पे देर इज़ अ लार्ज मार्केट जिसको टैप करना ज़रूरी है। इंडिया में केवल 40 से 50 करोड़ लोग अभी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो दैट मीन्स आउट ऑफ दोज 20 से 25 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना ह्यूज एक पोटेंशियल है इसका, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। तो हेंस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जहाँ कैशलेस होने में प्रॉब्लम हो रही है वहाँ धीरे धीरे चीज़ें कैशलेस करी जाए। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी अब ऐसा हो गया है, कुछ बैंक्स में भी, कि नहीं जी कैश पेमेंट ही चलेगा, नहीं जी ऐसा नहीं चलेगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्पेशली मैंने ये देखा रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, बट रूरल एरियाज़ में लोगों को परेशान करने के लिए कह देंगे जी आप ये कैश लेके आओ, हम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होनी, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ERUPI के ऊपर। ERUPI जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक छोटा सा कूपन सॉर्ट ऑफ है जो आपके फ़ोन में आ जाएगा, आपके पास चाहे फीचर फ़ोन क्यों ना हो, उसके थ्रू जो है आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। कुछ कुछ जब मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन ऐसे हो गए जहाँ पे आपने ऑनलाइन जो है टिकट खरीदा, आपको एक QR कोड मिल गया, QR कोड स्कैन करके आप मेट्रो में चले गए। रूरल एरियाज़ में काफ़ी जगह कैशलेस इकोनॉमी बन गई है, बट बहुत सारी जगह अभी भी बची हैं। काफ़ी जगह हमें इंश्योरेंस को भी पेपरलेस और कैशलेस वहाँ पे करना है, काफ़ी जगह हमें उनको फाइनेंशियल लिटरेसी भी देनी है, हमें ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स चलाने होंगे जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स अपने करें। एंड सबसे बड़ी बात, अगर हमें पेपरलेस एंड कैशलेस चीज़ें करनी है तो हमारी टेलीकॉम कंपनीज को भी ये ध्यान रखना होगा कि उनके टावर इंडिया में हर जगह हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कैशलेस पेमेंट करने जा रहे हो किसी गांव में एंड वहाँ पे जो है आपके नेटवर्क ही नहीं आ रहे, टावर ही नहीं आ रहे। इसके अलावा भी ये भी सुनने में आया था कि UPI में कुछ ऐसे भी फीचर्स आएंगे कि वो विदाउट इंटरनेट चलेगा, तो दैट विल बी अ बिग बूम, दैट विल बी अ बिग रेवोल्यूशन कि भाई गांव-गांव में जहाँ पे कम नेटवर्क होता है वहाँ पे भी आप UPI यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक इंडिया इज़ हेडिंग टूवर्ड्स अ पेपरलेस एंड कैशलेस इकोनॉमी, बट मेरे को ऐसा लगता है कैशलेस इकोनॉमी बनने में तो हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, पेपरलेस बनने में हम थोड़े से ढीले हैं। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।